शुक्रवार को एक बार पुनः निगम भिलाई में महापौर परिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बीते दिनों प्रदेश के मुखिया के भिलाई आगमन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा तालाबों और सड़कों को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कई प्रस्ताव पारित किए गए। बीते दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का भिलाई दौरा संपन्न हुआ था। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई की सड़कों और तालाबों का जायजा लिया था और इनकी दशा और दिशा सुधारने के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे, जिसे देखते हुए शुक्रवार को संपन्न हुई महापौर परिषद की बैठक में निगम भिलाई के पांचों जोन में सड़कों के सौंदर्यकरण एवं पुनर्निर्माण को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही विशेष तौर पर रामनगर मुक्ति धाम के समीप स्थित तालाब को संरक्षित और सुव्यवस्थित करने, उसके सौंदर्यकरण के कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करने पर सहमति बनी और यह कार्य बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। आज की महापौर परिषद की बैठक में बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई है और लगभग सर्वसम्मति से सभी विषय पास भी हुए हैं। मुख्य रूप से पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री जी का दौरा था नगर निगम क्षेत्र में, उसमें तालाबों को लेकर सीएम साहब ने कुछ घोषणा की थी, सड़कों को लेकर कुछ घोषणा की थी, उसको लेकर प्रस्ताव थे, पांचों जोन से कुछ सड़कों के प्रस्ताव थे, उनको स्वीकृति आज महापौर परिषद के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से दिया है। तालाब को लेकर मुख्य रूप से रामनगर मुक्ति धाम के सामने जो नगर निगम क्षेत्र का सबसे बड़ा तालाब है, जो लगभग 20-21 एकड़ क्षेत्र में फैला है, उसको प्राथमिकता में लेके उसकी कार्य योजना बनाकर जल्दी उसकी निविदा बुलाई जाएगी और बहुत जल्द उसका कार्य प्रारंभ होगा। भिलाई निगम महापौर नीरज पाल की परिकल्पना स्वच्छ और सुंदर भिलाई को लेकर निगम भिलाई की टीम लगातार प्रयास कर रही है और अब प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के दिए गए निर्देशों से इस दिशा में चल रहे कार्य को और गति मिल गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।